हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु घनश्याम। आज का हमारा टॉपिक है साइंस रिलेटेड और क्लास सिक्स का चैप्टर फिफ्थ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सब्सटेंस होता क्या है, मतलब कि सब्सटेंस मतलब के मैटर, मतलब के मैटर दो प्रकार के होते हैं, प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है या तो फिर मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, बेसिकली प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीज़ें आती है, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। और मिक्सचर के अंदर दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो प्योर सब्सटेंस के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स की बात करें तो गोल्ड, ठीक है, और कंपाउंड में देखने जाए तो वाटर। तो वाटर दो चीज़ों से बनता है, एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। इसी तरह से मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट काइंड के, मतलब कि सेम प्रकार के नहीं होते, इट्स नॉट ऑफ सेम काइंड। फॉर एग्जांपल हम जो केक बनाते हैं तो केक के अंदर हम फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, चेरीज का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उसके अंदर अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि मिक्सचर्स क्या होता है, मतलब मिक्सचर्स के अंदर एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। तो इन सब्सटेंस के अंदर मतलब कि कुछ फॉर एग्जांपल एक अगर मैं बात करूं तो अगर जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में हम सभी टी का यूज़ करते हैं, चाय पीते हैं ना, तो चाय के अंदर जो टी लीव्स होती है उसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट यूजफुल कॉम्पोनेंट। तो अनयूजफुल कॉम्पोनेंट को रिमूव करने के लिए बाय यूजिंग स्ट्रेनर हम इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद चाय पीते हैं। तो अब अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करना होता है तो उसके लिए हमें सेपरेशन करना पड़ेगा। तो अब समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस कैसे होता है। चलिए, सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस, देर आर मैनी इंस्टेंस वेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद स्ट्रेनर वाइल प्रिपेरिंग ए टी। हम क्या करते हैं, चाय पीने से पहले चाय को छानते हैं छन्नी से, जिससे कि क्या होगी, जो अनयूजफुल थिंग्स है जैसे कि टी लीव्स है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, तो अब देर आर द सेपरेट सिंपल डिफरेंट मेथड फॉर रिमूविंग द सब्सटेंस। तो विच आर द यस मेथड, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, मैग्नेट सेपरेटेड मेथड, सेपरेटिंग फनल मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको पार्ट वन में पहले चार मेथड के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये चारों जो मेथड है वो सिंपल मेथड है सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस की। पहली मेथड देखते हैं, हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड, द कंपोनेंट ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। तो इस हैंड पिकिंग में आप देख, आपने आपको याद होगा कि मम्मी अक्सर आप गेहूं लाते हो तो गेहूं में कंकर होते हैं, तो ये कंकर को रिमूव करते हैं। कंकर मतलब के जो स्टोन होते हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं और जो वीट होता है वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो स्टोन को रिमूव करेंगे हम वीट से, ठीक है, सो बाय हैंड पिकिंग मेथड। तो ये मेथड सिर्फ तभी यूजफुल है फॉर द लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज कंपोनेंट जो कि हमें विजिबल हो, जो हम देख सके अच्छे से, ठीक है। ये छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल साइज पार्टिकल्स के लिए ये यूजफुल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, सेपरेटिंग पीबल फ्रॉम राइस एंड दाल, मतलब हम कंकर निकालते हैं चावल या दाल में से, या फिर हम मिंट लीव्स निकालते हैं ग्रास में से, या फिर हम सलाद खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती है जैसे कि बीट होता है, कैबेज होता है, ठीक है, कैरेट होता है और भी कुकुम्बर होता है। तो अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद तो हमें हैंड पिकिंग से मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं, थ्रेशिंग मेथड। तो आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स लोग होते हैं मैन्युअली, ज़्यादातर फार्मर्स लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं।
So threshing is a method that are generally used by farmers to separate the grains from the stalk after harvesting. जब फसल की कटाई होती है तो आपने देखा होगा, आप देख सकते हो पिक्चर में भी दिया हुआ है, फार्मर क्या करता है, उसको जो ग्रेन्स होता है उसको एक स्टोन पे जोर से पीटता है जिससे कि ग्रेन्स ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ड्राई ग्रेन स्टॉक आर बीटन और थ्रेस टू सेपरेट द ग्रेन्स, ठीक है। और अगर अगर लार्ज फार्म है तो थ्रेशिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने आपको सेकंड पिक्चर में दिखाया है। इसमें क्या होगा कि जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाएंगे और बाकी जो वेस्ट है वो अलग से रिमूव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं थर्ड मेथड, विनोइंग मेथड। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है विनोइंग कैसे होता है। तो इन विनोइंग मेथड द मिक्सचर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट। अब यहाँ पे विनोइंग मेथड में क्या होता है, एक हाइट से उसको फॉल किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम हैवियर कंपोनेंट को और लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, किसकी मदद से, सो विंड या फिर और ब्लोइंग एयर की मदद से। मतलब किसी आप चाहो तो विंड का इस्तेमाल होगी तो विंड ठीक है, ना हो तो हम फैन का इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट हैवियर टू लाइटर, लाइटर कंपोनेंट को और हैवियर कंपोनेंट को हम अलग करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है, विनोइंग मेथड। नाउ द फोर्थ मेथड इज स्वीविंग मेथड। स्वीविंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट माइन्यूट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज पासिंग थ्रू इट्स सीव। आपने देखा होगा कि मम्मी जब आटा गूंथती है तो हम क्या करते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे अनयूजुअल कंपोनेंट्स होते हैं, अनयूजफुल जो उसके अंदर रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्विंग मेथड बेस्ट है। तो स्विंग मेथड ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है स्वीव्स, जिससे कि डिपेंड, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट में आपने देखा होगा कि जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे या बड़े बड़े कंकर्स होते हैं, तो उसके अंदर से सैंड को रिमूव करना है और स्टोन को रिमूव करना है, तो वहाँ पे हम ये क्या करते हैं, स्वीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।